लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को दबाएं। संगीतकार और गायक अदनान सामी को सरकार ने पद्मश्री देने की घोषणा किया कि वो विरोधियों के निशाने पर आ गए। ऐसा शख्स जो कभी पाकिस्तान का नागरिक रहा और बाद में उसे भारतीय नागरिकता देने के बाद पद्मश्री देने का फैसला, ये बात कांग्रेस सहित अन्य दलों के गले से नहीं उतरी। हाल ही में अदनान ने अपने गाने तू याद आया को लॉन्च किया तो उन पर सवालों की बौछार हुई। अदनान यहाँ नहीं चुके और खुलकर जवाब दिए। यह पूछे जाने पर कि क्या इतिहास को राजनीति का कारक होना चाहिए, इस पर अदनान ने कहा कि इतिहास को अतीत में रखा जाना चाहिए। जैसे आप नेता से राग दरबारी के बारे में नहीं पूछते, वैसे मुझसे राजनीति के बारे में न पूछें। अदनान ने आगे कहा, मुगलों, ब्रिटिश, मंगोलियन और अलेक्जेंडर द ग्रेट जैसे लोगों को सामने लाया जा रहा है। अब वो जिंदा नहीं है, इसलिए उन्हें शांति से आराम करने दें। पद्मश्री को लेकर हुए विवाद पर अदनान ने कहा कि ये कुछ गिने चुने लोगों को पसंद नहीं आया, लेकिन इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि इस फैसले का समर्थन देश के 130 करोड़ लोगों ने किया है। उन्होंने कहा कि अपने प्रशंसकों के प्रति अपनी जिम्मेदारी से मैं अवगत हूँ। मेरा देश मेरे पेशे से है, जो संगीत है। बता दें कि इवेंट में अदनान ने बताया कि तू याद आया की शूटिंग के दौरान एक दिलचस्प घटना हुई। दरअसल अदनान की बेटी मदीना, जो कभी भी किसी फिल्म या सॉन्ग के शूट पर नहीं गई थी, तू याद आया पर पहली बार अदनान की वाइफ रोया के साथ मौजूद थी। थोड़ी देर के बाद अदनान की 2.5 साल की बेटी रोने लगी। अदनान, उनकी पत्नी और पूरा सेठ छोटी बच्ची के इस तरह अचानक रोने से अचंभित और घबरा गए थे। जब अदनान ने उसे प्यार से पूछा, तुम्हें क्या हुआ, तुम क्यों रो रही हो, उसने कहा, मैं रो रही हूँ क्योंकि मेरे बाबा रो रहे हैं। छोटी सी बच्ची के माता पिता ने उसे चुप करने के लिए अपनी पूरी कोशिश की, उसे विश्वास दिलाया कि सब कुछ ठीक है और उसके पिता के आंसू असली नहीं है, वे सिर्फ कैमरे के लिए हैं। 2.5 साल की मदीना शायद ही एक्शन और कट और अपने पिता की नम आंखों के बीच के अंतर को देख पाती, इसलिए मदीना के आंसू नहीं रुके, लेकिन शूटिंग रुक गई।